हेलो दोस्तों, एक और नया वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किया कैडेंस को कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा XUV700 से। आज के इस वीडियो में मैं किया कैडेंस की प्रेस्टीज प्लस मॉडल को कंपेयर करूंगा XUV700 की बेस वेरिएंट MX से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डायमेंशंस की बात करें तो किया कैडेंस की लेंथ है 4540 mm, जो की 155 mm कम है XUV700 में मिलने वाली लेंथ से। विड्थ है 1800 mm, जो कि 90 mm कम है XUV700 में मिलने वाली विड्थ से। हाइट है 1708 mm, जो कि 47 mm कम है XUV700 में मिलने वाली हाइट से। व्हीलबेस है 2780 mm, जो कि 30 mm ज्यादा है XUV700 में मिलने वाली व्हीलबेस से। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो किया कैडेंस में 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करी जाती है, जो 10 mm कम है XUV700 में मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस से। बूट पेस की बात करें तो कैडेंस में मिलता है आपको 216 लीटर की बूट, जबकि XUV700 में आपको 400 प्लस लीटर की बूट पेस मिल जाती है। कंपनी ने रिवील नहीं किया है कितनी बूट पेस आपको यहां पर मिलती है। एक बात बताना चाहूंगा, XUV700 के बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ 5 सीटर ऑप्शन ही मिलता है, 7 सीटर ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए आपको बूट पेस ज्यादा मिलती है। जबकि किया कैडेंस के जो मॉडल है प्रेस्टीज प्लस, जो कि है थर्ड बेस मॉडल, इसमें आप लोगों को 7 सीटर ऑप्शन मिल जाता है, इसीलिए आपको बूट पेस कम मिलती है कॉम्पिटेटिवली XUV700 के। टायर सेट की बात करें तो कैडेंस में आपको मिलता है 16 इंचेस की एलॉय व्हील, जबकि XUV700 में आपको मिलता है 17 इंच की स्टील रिम। तो डायमेंशंस के मामले में कैडेंस और XUV700 मैं दोनों को ही विनर डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि कैडेंस में आपको 7 सीटर ऑप्शन मिलता है, कैडेंस में आप लोगों को व्हील बेस ज्यादा मिलता है, जबकि XUV700 में आपको सिर्फ 5 सीटर ऑप्शन ही मिलता है। लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब ज्यादा मिलता है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ये 5 सीटर ऑप्शन में आती है, जबकि कैडेंस आपको 7 सीटर ऑप्शन में दिखेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों ही गाड़ियां डायमेंशंस के मामले में एक दूसरे से अलग नहीं है, जीत जाती है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और इंजन की बात करें तो कैडेंस में आप लोगों को मिलेगा 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। टर्बो पेट्रोल 138 bhp और 242 nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि डीजल इंजन 115 bhp और 250 nm का टॉर्क पैदा करता है। लेकिन XUV700 में जो पेट्रोल इंजन है वो है टर्बो पेट्रोल इंजन, और ये जेनरेट करता है 197 bhp और 380 nm टॉर्क, जबकि टर्बो डीजल जो इंजन है 2.2 लीटर वाला वो जेनरेट करता है 153 bhp और 360 nm टॉर्क। तो यहाँ पर पावर फिगर्स के मामले में कहीं ना कहीं कैडेंस पीछे रह जाती है XUV700 से। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो कैडेंस में जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें आप लोगों को 6 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, जबकि डीजल में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। लेकिन XUV700 में चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल, बेस मॉडल में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगी, 6 स्पीड मैनुअल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ियां क्लियर कट विनर बनती है, क्योंकि कैडेंस में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, जबकि XUV700 में आपको पावर फिगर्स ज्यादा मिल जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ियां विनर बनती है। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कैडेंस में आपको सेफ्टी फीचर का नंबर मिल जाता है 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, हिल असिस्ट कंट्रोल, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटर, ABS, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोपिक एंकर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विद लोड लिमिटर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर। जबकि XUV700 में आपको मिलेगा बेस मॉडल में डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोपिक एंकर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक और 5-स्टार क्रैश रेटिंग, जो आपको ग्लोबल एनकैप के तरफ से देखने को मिलेगा। तो अगर सेफ्टी पैरामीटर को कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियां इक्वल बनती है, क्योंकि कैडेंस में आपको ज्यादा सेफ्टी फीचर मिल जाता है, जबकि XUV700 में आपको कम सेफ्टी फीचर मिलता है, लेकिन ये 5-स्टार रेटेड SUV है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ियां इक्वल रहेगी सेफ्टी फीचर के मामले में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कॉम्फर्ट फीचर्स की। तो कॉम्फर्ट फीचर्स में कैडेंस में मिल जाता है 8 इंच टच स्क्रीन विद 6 स्पीकर सेटअप, वायरलेस एप्पल एंड एंड्रॉइड सपोर्ट, कीलेस एंट्री, फॉलो मी हेडलैम्प, इलेक्ट्रिक एडजस्ट एंड फोल्डेबल वार फ्रेम, एंटी पिंच पावर विंडो ड्राइवर साइड, फुली ऑटोमेटिक AC, सेकेंड एंड थर्ड रो डिफ्यूज AC वेंट, शार्क फिन एंटेना, बूट लैंप, हैलोजन बेस्ड हेडलाइट एंड
एलईडी बेस्ड टेल लाइट, स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट, स्मार्ट की विद कार इंजन स्टार्ट फीचर, मतलब आप स्मार्ट की के मदद से इंजन को स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका कार न्यूट्रल में है तो। रियर वाइपर एंड डिफॉगर, फर्स्ट एंड सेकेंड रो कूल्ड कप होल्डर्स, मल्टी ड्राइव मोड्स, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये। लेकिन ये आपको सिर्फ ऑटोमेटिक डीसीटी में ही मिलेगा, मैनुअल में नहीं मिलेगा। ऑटो क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिट ऑप्शन, जबकि 107 में जो बेस मॉडल है एमएक्स, उसमें आपको कॉम्फर्ट फीचर्स के नाम पर मिलेगा 8 इंच टच स्क्रीन विद वायर्ड एंड्रॉइड सपोर्ट, 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 स्पीकर सेटअप, फॉलो मी हेडलैम्प, मैनुअल एसी विद हीटर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल वार्ड फ्रेम, एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स और टिल्ट स्टीयरिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो XUV700 के बेस वेरिएंट में आपको फीचर बहुत ही कम ऑफर करे जाते हैं तुलना में किया कैडेंस के, इसीलिए कॉम्फर्ट फीचर्स के मामले में किया कैडेंस आगे निकल जाती है XUV700 से। अब चलिए बात करते हैं प्राइसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग प्राइसेस देख सकते हो, दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। किया कैडेंस की जो वेरिएंट है प्रेस्टीज प्लस, उसका पेट्रोल और डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन में प्राइस रहेगा 13.5 लाख रुपए एक शोरूम। अगर आप लोग ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हो तो वो सिर्फ पेट्रोल में मिलेगा, जो कि है 7-स्पीड DCT, और उसका प्राइस रहेगा 14,60,000 रुपए एक शोरूम। जबकि XUV700 MX पेट्रोल मॉडल का प्राइस है 12.95 लाख रुपए, और XUV700 MX डीजल वेरिएंट का प्राइस रहेगा, डीजल मॉडल का प्राइस रहेगा 13.47 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई बहुत ज्यादा प्राइस गैप दोनों ही मॉडल में नहीं है, लेकिन इसी प्राइस रेंज के अंदर अंदर आप लोगों को एक 7-सीटर MPV मिल जाएगा, जो आपको एक अच्छा खासा माइलेज देगी। इसके अलावा सेफ्टी फीचर से भी भरपूर है ये गाड़ी, तो कहीं ना कहीं किया कैडेंस एक विनर बन जाता है XUV700 के बेस वेरिएंट MX से। तो अगर आप लोग XUV700 ही परचेस करना चाहते हो तो ऊपर के वेरिएंट आप लोग परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग 14 लाख से 15 लाख रुपए के अंदर अंदर एक कार चाहते हो ऑन रोड, तो आप लोग किया कैडेंस की तरफ जा सकते हो। इसमें आप लोगों को भरपूर सेफ्टी फीचर मिल जाएगा, भरपूर कम्फर्ट फीचर मिलेगा, इंजन ऑप्शन मिल जाएगा, किया की आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक ठाक माइलेज भी आप लोगों को किया कैडेंस MPV में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कंटेंट दोबारा देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।